ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली सरकार के डूसिप का ये शौचालय है जिसको तोड़ने के लिए आज भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ तैनात हैं और जो झुग्गी के लोग हैं उनको यहाँ तक नहीं आने दिया जा रहा है। आज सुबह किसी को भी यहाँ पे नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ तमाम जो इलेक्ट्रिक बिजली विभाग के लोग हैं यहाँ इसका कनेक्शन काटने आए हुए। मैं दिखाना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो केयर टेकर है, केयर टेकर का जो रूम है इस रूम पर भी ताला लगा हुआ है, यानी कि आज से यहाँ पर किसी को भी केयर टेकर हो तो ताला तो लगा हुआ है। देखिए आप यहाँ अच्छा तो आप इधर आइए, इधर अंदर आइए। आप केयर टेकर हो यहाँ पे? हाँ जी, महीना भर हुआ अभी। आप नाम बताइए अपना। सर विकास। विकास, क्या कहा गया आपको? कि सर ये टूट रहा है पूरा, ये यहाँ का ये सिस्टम जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट के शौचालय हैं सारे टूट रहे हैं। पूरे कितने शौचालय हैं यहाँ? सर एक ही है, इसके पीछे एक है, फिर उसके पीछे डबल है, सभी टूटेंगे। हाँ जी सर। ये और ये देखिए ये पूरे ये इलेक्ट्रिक के जो लोग हैं ये देखिए आप देखिए ये सब यहाँ पर सुलभ शौचालय की जो लाइट है उसको ये काटने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये पूरे के पूरे पोल, ये लगभग जितने भी डूसिप के जो शौचालय हैं यहाँ पर ये ढहाए जाने हैं और ये डेमोलिशन शुरू हो चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये बिल्कुल बाहर आपको ये डेमोलिशन का काम शुरू हो चुका है। बाकायदा ये देखिए कनेक्शन यहाँ पर तमाम काट दिए गए हैं, बुलडोजर शुरू हो चुका है, बाहर पुलिस वाले तैनात हैं और दूसरी तरफ जो झुग्गी के जो लोग हैं तमाम उनको यहाँ पे आने नहीं दिया गया है। पूरा का पूरा केयर टेकर के यहाँ से देखिए मैं दिखाना चाहूँगा पूरी की पूरी वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको अचानक से तोड़ दिया गया है, काट रहे हैं बिजली विभाग के लोग और यहाँ से सामान पूरा का पूरा निकाला जा रहा है। तो जितना भी जो भरोसा दिला रहे थे लोग बाकी ये नहीं टूटने दिया जाएगा और वो टूट रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इसको एक गार्डन और नर्सरी बनाने की योजना है नगर निगम की। एलजी के आदेश से ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये बताया जा रहा है कि आसपास झुग्गी के जितने भी जो इलाके हैं वहाँ पर भी उन लोगों को भी ये डर सता रहा है कि कहीं अब उनका भी नंबर तो नहीं आने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक मुहिम चलाई थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, इनको पक्के घर दिए जाएंगे। जब कब दिए जाएंगे कब ये अलग विषय है, लेकिन फिलहाल तो इनके लिए समस्या ये है कि इस कड़ाके की ठंड में वो सोच कहाँ जाएंगे। यहाँ डेमोलिशन का काम पूरा का पूरा शुरू हो चुका है, लगभग 7 जो बुलडोजर है वो यहाँ पे आए हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दिया जा गया। बिल्कुल जो बुलडोजर था यहाँ पर अपना काम कर रहा है, ये देखिए आप पूरे के पूरे टोल ढा दिए गए हैं और कुछ ही देर में जो जितने तमाम जो यहाँ पर वो हैं वो सब के सब नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। तो और आगे इनके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं हैं यहाँ पर, कोई भी जो इनकी आवाज़ है वो उठा नहीं रहा है इन तमाम झुग्गीवासियों की। तो तमाम आप देख रहे हैं बिल्कुल डेमोलिशन शुरू हो चुका है और इसके बाद इनके लिए क्या और इंतजाम है उसकी भी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर